नमस्कार, मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आप सबों को दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको याद होगा, हमने जुलाई महीने के फोरकास्ट में जो हमने फलादेश दिया था वो 1 से 15 जुलाई तक की, और आज मैं आपके सामने दूसरे पाक्षिक की राशि फल लेकर हाजिर हूँ। आप 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये राशि फल है, इसे आप अपनी लग्न राशि से देखिए तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। इसके पहले कि मैं राशि फल का क्रम शुरू करूँ, आपसे निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अब मैं चलती हूँ राशि फल के क्रम में, एक एक करके सभी राशियों का लेखा जोखा लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। चर्चा शुरू करूं उसके पहले एक बार ग्रहों की व्यवस्था क्या रहेगी जुलाई महीने में, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 7 जुलाई को युवराज बुध अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि स्वराशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई को दैत्य गुरु शुक्र अपनी राशि परिवर्तन वर्तमान की राशि कर्क राशि को परिवर्तित करके सिंह राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी रहेगा। और इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य देव अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को परिवर्तित करके कर्क राशि में आ जाएंगे। 20 जुलाई को माइटी फायरी रेड प्लैनेट मार्स अपनी राशि को बदल कर सिंह राशि में आ जाएंगे। सैटर्न, जैसा हम सभी जानते हैं, शनि देव अभी अपना गोचर भ्रमण मकर राशि में अपनी साधारण राशि में जारी रखेंगे और राहु केतु एक्सिस वही रहेगा। राहु टॉरस में रहेंगे और केतु स्कॉर्पियो में। तो जुलाई में ग्रहों की व्यवस्था यही रहेगी। इन गोचर से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, जुलाई का ये जो द्वितीय पाक्षिक रहेगा, सेकंड हाफ रहेगा, वो कैसा रहेगा, इसके बारे में एक जल्दी से चर्चा करती हूँ एक एक राशियों के बारे में। जुलाई का ये द्वितीय पखवाड़ा कैसा रहेगा लिब्रंस के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वाले लोगों के बारे में बात करूँ तो जुलाई का ये सेकंड हाफ जो है उनके लिए करियर के फ्रंट में बहुत अच्छी खबर लेकर आया है, खुशखबरी लेकर आया है। देखिए, इसके 20 जुलाई के पहले मार्स मंगल जो थे वो अपनी नीच राशि में थे, आपके दशम भाव में। तो आप ऐसी बहुत प्रबल संभावना बन रही थी कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, आपके बारे में कुछ मनगढ़ंत बातें आपके सीनियर्स को, आपके बॉसेस तक पहुंचाई जा सकती हैं जिससे आपकी ऑफिस में छवि खराब हो। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी जब मंगल 20 जुलाई को अपनी राशि बदलकर आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। उसके बाद बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं तो भी आपको लाभ के बहुत बड़े अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस की बात करूं तो पैसे तो आएंगे लेकिन आय के स्रोत स्टेबल नहीं रह सकते हैं, उसमें स्थायित्व नहीं रह सकता है। तो इस तरह की बातों पर आप नज़र बना के रखिएगा। आपके ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं जो आपको धन संचय नहीं करने दे रहे। आपके आय के स्रोत भले ही कितने भी बृहत हों लेकिन धन संचय में आपको परेशानी आ रही होगी। फिर भी आप प्रयास बनाए रखें और जुलाई का ये जो द्वितीय पखवाड़ा है वो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आएगा, बहुत ही अनुकूल समय लेकर आएगा और प्रथम पखवाड़े से बहुत बेटर रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो देखिए, आप अपने रूटीन को बहुत रेगुलेटेड कीजिए, आप अपनी दिनचर्या को बहुत एक फिक्स धर्रे पे रखिए, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस थी, पहले से चली आ रही पुरानी बीमारी थी, तो उसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहिएगा क्योंकि वो पुरानी बीमारी फिर से रीसर्फेस हो सकती है। आप हालांकि सेकेंड हाफ में हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार होगा, कोई बड़ी बीमारी, कोई ऐसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी विजिलेंस इज नेसेसरी, आप सतर्कता बिल्कुल बरतते रहिए, आप बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हेल्थ के लिए आप कोई खिलवाड़ मत कीजिए।
लिब्रंस तुला राशि वाले लवर्स के बारे में बात करूं तो लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी जुलाई के ये सेकेंड हाफ में, तो आइए एक चर्चा इस पर भी की जाए। देखिए, आप अपनी गोपनीय बातें, प्राइवेट सीक्रेट्स जो भी हैं आपके, वो अपने आप पार्टनर्स को मत बनाएं। ये हो सकता है इससे स्थिति बिगड़ जाए आपको, आप हो सकता है आपके लिए ये छोटी सी बात हो पर आपके पार्टनर का मन दुखी हो सकता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, एक बड़ा इशू बन सकता है। जुलाई का ये सेकेंड हाफ आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और पुराने शादीशुदा लोगों की बात करूं तो ये जुलाई का सेकेंड हाफ एक बहुत अनुकूल समय लेकर आया है और आपके पार्टनर से आपको एक कुछ बड़े आय का मुनाफा हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, इस तरह की स्थिति बन रही है। और घर परिवार के बाकी दूसरे मेंबर्स की भी बात करूं तो आपको आपके सिबलिंग्स से बहुत अच्छा रैपो बनेगा, आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बहुत सुधरेंगे। मंगल जब आपके एकादश भाव में आएंगे तो आपको आपके बड़े भाई बहनों से कुछ न कुछ लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है आपके लिए, जुलाई का ये सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं।